أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات الحمد لله يوم تاسوعة تاسوعة تسعة you know, تسعة هي before عشرة عشرة means ten تسعة means nine Your nine number ابو الفضل العباس علیہ السلام

تسعه لفاطمة تسعة أسماء عند الله نين فاطمة الزهراء الله عليها الإسلام إن شاء الله इस नाइन्थ मजलिस में अपना जो नवा क़दम है उसकी तरफ भी गुफ्तू करेंगे लेकिन नंबर्स की तरफ़ देखें एक हदीस में अपनी माओ को गिफ्ट करना चाहूँगी अपनी बहनों को बड़ी ख़ूबसूरत हदीस है कि बल रजुलरबाइन सना जब एक मुसलमान चालीस साल का हो जाता है तो परवर दिखा रहे आलम क्या करता है उसके लिए उसके साथ एक अजीब डीलिंग करता है आम बल दुनिया फोर्टी ईयर्स तक उसने अल्लाह की अच्छी सी बंदगी की है या अल्लाह को अच्छा सा वर्शिप किया है अल्लाह को उबे किया है चालीस साद बल मुसलिम अला खमसना सना जैसे ही मुसलमान खमसिन यानी फिफ्टी ईयर्स का हो जाता है तो फिफ्टी क्या है यू नाफ़ सेंचुरी है बहुत बड़ी बात है आपने पूरी ज़िंदगी एक गुजार ली अल्लाह के लिए तो परव दार आलम क्या करता है उसके लिए ख़ास इस तरह से उसे रिज़ देता है कि उसके हिसाब किताब को आसानी के साथ डील करता है अब उसका हिसाब किताब इतना सख्त नहीं होता पहले की तरह वो इधल मुस्लिम इलाना सना जब आप जैसी नेकमत को टच करने लग जाए तो क्या करता है खुदा रजा लाब व रजा कनाब उसके दिल को सॉफ्ट नरम बार बार उसको अच्छा मज़े का रोना आता है और उसको तोबा की ज्यादा से ज्यादा तोफ़ी मिलती है ये बड़ा खूबसूरत सा है मैंने देखा दो बड़े बड़े डॉक्टर्स पी दीन में एक्सपर्ट्स एक सेवेंटीज़ में था एक एटीज़ में बैठ कर ये हदीस जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर दे रहे थे कि इफ़ यू आर फोर्टी

फिर क्या होता है अल्लाह क्या करता है कहता है समा। साल कम नहीं है ना सत्तर साल से वो अल्लाह की प्यारी प्यारी बंदगी कर रहा है अब इतने अच्छे अच्छे अमाल उसने आसमान की तरफ भेजे हैं कि आसमान वाले भी उसको पहचानने लग गए तवज्जो है ना मेरे साथ ये आप लोग अच्छा अच्छा मजे मजे का सर हिलाएं अल्लाह कहें कुछ कहें मुझे पता चले मोमिनात आती जाती रहेंगी इधर उधर निगाहें ना हो सल मुहम्मद आलि मोहम्मद बारे दीगर सलावाद जैसे ही सेवेंटीज़ को वो टच करता है अल्लाह कहता है ये तो मेरा बन गया महबूब ये तो मेरा अजीज़ है और आसमान वालों का भी अज़ीज़ बन जाता है हर दिल अज़ीज़ और जब मुस्लिम समान सना जैसे ही वो एटीज़ को टच करता है तो उसको एक अजीब लक़ परवरदिगार आलम दे देता है कहता है क्या हो तुम लोग असुरुन्नफ़ी और असिर हो जैसे हम दुआ करते हैं ना कि नार हमें असीर कर दे मोहब्बत मोहम्मद वाल मोहम्मद में हम गिरफ्तार हो जाए मस्कीन दर अहल बेद बन जाए सूर दाहर में यही कहा वहीमून साम आम। वो मुसलसल ताम दे रहे हैं खिला रहे हैं दे रहे हैं हम सिर्फ भूखे तो बन जाएं हम उनके दर पे दस्तक तो दें आप लोग तो इतना प्यारा दस्तक दे रहे हैं देखें ना इन हुसैन की खीस के आलम हमें दीवाने ये उस पाकिस्तान में भी था सो डेज और जस्ट ऑफ या मैं भी सुबह सोल्जर बाजार की तरफ जाती हूँ वहाँ मजलिस पढ़ने तो मुझे इतना प्यारा लगता है वाह कितनी पीसफुल ये कम्यूनिटी है इसना आशरी वाली, आजादारी वाली सपने सियाह लिबास पहना हुआ है मुफ्त में खिला रहे पिला रहे मातम कर रहे नबी नबी और अवलादे को याद कर रहे हैं कितने आराम से ये कौन है इमाम हुसैन जिनकी वजह से हम सब एक दूसरे को इतनी इज्जत देते हैं कौन किस दुनिया में इस तरह होता है आप मुझे बताएं मुफ्त में आपको इतना प्यार भी दे इज्जत भी दे रूह की खजा भी दे जिस्म की खजा भी दे कहाँ इतना प्यारा एहतमाम होता है इतने बड़े आलम में इससे ज्यादा और कौन जिंदा हो सकता है लाइफ़ किसे कहते हैं लाइफ इसी को कहते हैं ना जिसकी वजह से हम सब इतना प्यार मोहब्बत हब्बुल तो हुसैन या जमा हमें मुतहिद कर रहा है ये हमें दावत देता है खिलाने की पिलाने की बुला خدمتك کی خدمت کی یہی تو وہ معجزہ ہے جس کی وجہ سے نبی نے کہا یا علی الملائكه خضامنا وخدام محببينا شيعتك شيعة الله وانصارك انصار الله وحزبك حزب الله واولياؤك واولياء الله اشهدكم يا ملائكه ان تصبيحك

बोसा लूंगी बोसा जो बोसा फिरिश्ते ले रहे हैं क्यों क्योंकि जब मेजबान और जो लोग हेल्प कर रहे होते हैं हम आज़ादार हैं आके चले जाते हैं लेकिन जो यहां खिदमत कर रहे होते हैं उनका एक खास मकाम है मसलन आपके घर के दोस्त में दोस्त का दोस्त के घर में दावत है ठीक है जो बहुत क्लोज लोग हैं उसकी हेल्प करते हैं ना किचन में बहुत बड़ी दावत है सब मेहमान चले जाते हैं आखिर में मेज़बान और वो जिन्होंने मदद की वो सब मिल के रिलैक्स, बैठ के बातें और मजे मज़े से खाना खाते हैं। यकीन कीजिए यही अल्फाज इस रिवायत के हैं लहुम मेज़बान मासूमीन है आप जो वॉल्टियर्स हैं आप बाज़ू हैं व जमान के और जब आजादार चले जाते हैं आप होते हैं और इमाम असर होते हैं मेज़बान जो जिस अंदाज से आपके साथ उनसियत, क्लोजनेस और आपके साथ गुफ्तु और वो नियाज जो नियाज रूह है वो न्याजाम ईमान और औलाद अमीरमिन अमीर आपको इनायत फरमा ते सल या याली या 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 तेरा नूर इतना प्यारा है तेरी औलाद का नूर इतना हसीन है इनग्रेव करें इन हदीस को अपने दिल में अपने डीएनए में लिख डालें चेंज हो रहा है हमें खुद नहीं पता हमारा एक एक सेल बदल रहा है आप देखें ना वो डॉक्यूमेंट्रीज या नेक्स्ट फ्लिस्ट में मौजूद है हील नाम है हील हमारी हमारे जिस्म और रूह का जो कनेक्शन है सारे सेल्स सारे हमारे वजूद पर जो ये मजलिस इस तरह से लहमो दमो फ्लश ब्लड हमारी बोन्स और पूरे एक एक सेल्स पर असरअंदाज कर रहे हैं बेमिसाल, बेमिसाल। हमारा पूरा वजूद मुनकलिब होता है इन मजलिसों में और कहा ये जितनी जितना तेरा नूर है ना यहाँ अली तेरी औलाद का नूर है अल्लाह को ये नूर इतना महबूब कि इस नूर से मलाइका अल्लाह ने खल किया सेवेंटी थाउजेंड मलाइका कितने मलाइका सेवेंटी थाउजेंड वो करते क्या हैं वो करते ये हैं कि मौला अली के लिए और आप के लिए मुहिन अली के लिए क़यामत तक आपकी तरक्की आपके तकामुल, आपके ग्रोथ आपकी खुशी आपकी कामयाबी के लिए अल्लाह के बारगाह में मांगते 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 हैं मांगते हैं, मांगते हैं इसे कहते हैं तलब एसतफार और फिर रब ने कहा ए मलाइका का तुम गवा गवाह गवार जितनी तुम तस्बीहे हो तहलील हो तमजीद कर रहे हो ना इस सब का अजर कि नहीं मिल रहा है कनी जान जैनब को क़यामत तक उसमें से हिस्सा मिलता है आपके सरों पर चादर जैनब जैनब हो। और आपको फिर था उसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई आई तो बुर जदी के ज़माने में और उनकी जो है वो मजलिस आज़ा की मजलिस की इबादत की उसके लिए ज़ाफर ज़िन्नी आपको मालूम है वो ज़िन्नों का खिंग था और बहुत ही पावरफुल इंसान उसके सर पर ताजा मुसलमान होते हैं या आश अली होते हैं। कोई तीसरी किस्म नहीं होती ये सत्तर से ज़्यादा जो तफरक़े हैं वो सिर्फ़ इंसानों में जिनों में नहीं है अगर आप गूगल करें पर्शियन में आई सोल जैत एंजन यू विल गेट सो मैनी ब्यूटिफुल क्लिप्स जो ख़ुद वो बता रहे होते हैं मज़े मज़े की स्टोरीज़ बताते हैं सो so, जिन में अभी भी वो लोग ज़िंदा हैं जो गदीर में मौजूद थे उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है वो सारे ज़िंदा है उनकी तूल उम्र होती है तो उनमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि मौला का क्या थिंग, एवरी थिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर के ये है हक यू नो दे और कुछ भी नहीं है तो ज़ाफ़र कहता है मेरी शादी थी और मैं एज अ ग्रूम तैयार होकर बैठा हुआ था इतने में कुछ मेरे दोस्त आए पता है कर वो मला में क्या हो रहा है तो सारा उन्होंने मुझे बताया तो मैं गया देखने के लिए नवासे रसूल की हालत और मैंने अब अब हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपकी मदद करूं तो मौला करीम अपने करीम ने फ़रमाया कि रब की मशीयत ये है कि ये इंसानी आम तबी नेचुरल अंदाज से हक और बातिल का हसीन सा दस्तरखान बिछाया जाए मुआजा ही करना था तो मैं ख़ुद ही एक नज़र में मुकलबल्क़लूब के हुक्म से सब यजीदियों को हुसैनी बना देता मजबूरन करना हो तो मैं खुद करता मेरिकल दिखाना हो तो मैं दिखा देता मैं सैयद शबाब अहल जन्ना हूँ तो मुझे ये वाली मदद नहीं चाहिए मीनिंग एंड सीक्रेट्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग

منا إلا أحبط منا ركنا ليس ندري ما قدمنا فيها إلا ما قد متنا یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ بول رہا ہے اہل الدنیا خل الدنيا مهلا محلا رفقا رفقا اے أهل الدنيا اتنا کیوں دوڑے ہو بھاگتے ہوئے کہاں جا رہے ہو کہاں جانا ہے رک جاؤ محلا سنا नोहों में हमारे पर्जियन लोहो में बहुत होता है उर्दू में है कि नहीं माह रुक जाओ, रुक जाओ। you know, ना भागो दौड़ो नहीं बोलो जो पूरी फैमिली मिल के काम कर रही होती है सब भूल जाते हम काम, काम 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 ना आखरत ना अपने जिसमी से हद को देखने कहा वहां ना जाओ ना जाओ रिफकन रिफका क्यों रिफकन रिफका इन्नल मौला समदुन यबका क्योंकि मौला रब है रब की जानिब जाओ जो हक है जो सिद्क है मिन यौमिन यमजी मिन्ना हमसे कोई दिन नहीं गुजरता मगर ये कि हमारे वजूद का एक रुकन हमसे जुदा हो जाता है हर दिन हमारा एक पार्ट हमसे ले लेता है इल्ला अहवत मिन्ना रुकना लेसा नदरी मा कदम हमें नहीं पता हमने आगे क्या भेजा है फी मा इला सिर्फ उस वक्त पता चलेगा जब हम मर चुके होंगे मेरे मोला के बहुत से ऐसे बयान हैं जिसमें जाहिर भी हुस्न है ना बान भी हुस्न है ना कि ये जो घंटी है चर्च की वो क्या बोल रहा है अम्बार हैरान हुआ नेक्स्ट डे वो फिर गया ख़ुद से अकेला गया और जाकर उस प्री से कहा कि आप घंटी बजाएं बेल बजाएं आपको पता है ये जो आप बेल बजाते हैं इसका क्या मतलब है उसने कहा नहीं तुम्हें क्या पता कहा मुझे पता है كاب بجاؤ میں بتاتا ہوں وہ بیل عمار پڑھتا گیا اهل الدنيا خل الدنيا مهلا مهلا رفقا رفقا ان المولى صمد يبقى صدقا صدقاً حقا حقا ما من يوم يمضى منا الا احوت منا ركنا ما قدمنا ليس ندري فيها الا ما कज मुचना कहते वो फ्रीस्ट वहीं पर गिर पड़ा रोने लगा रोकर कहा ये तो एक मेरे पास लेटर है खत है जनाब ये लिखा हुआ है कि एक नबी आएगा उस नबी का एक वसी होगा वो वसी ऐसा होगा जो कामोस की जबान को बहुत प्यारे अंदाज से हम सबको उसकी राज के बारे में बताएगा वो باب العلم لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين यहाँ मेरे नबी अब के दरमियान है और एक अजीबुल हैकल शख्स आता है और वो कहता है कि मैं हाम बिन हिम बिन हामिस बिन इब्लीस हूँ और मेरा काम था इंसानों को हक़ से दूर रखना ये हमारा टारगेट और इस टारगेट में हम सुस्ती नहीं करते हमने भी नाइन स्टेप्स में आपको बताया है कि साबकू अल खैरा या स्पीड अप स्टेप अप करें हम भी रश करें हम भी जहां आकर हमारे अंदर लालच होनी चाहिए ग्रीड होनी चाहिए कंपटीशन होनी चाहिए वो गुड डीट्स के लिए टुवर्ड्स खैरात तो हमारा काम यह है कि अच्छा काम ना करे जैसे ही आदम तशरीफ़ लाए हमने हज़रत आदम को अज़ीयत करना शुरू किया लोगों को उनके इर्द गिर्द से दूर करना शुरू किया लेकिन एक चेहरा आता था बड़ा ही नूरानी जिसके नूर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वो चेहरा आकर ऐसी आवाज से रोब और नूर उस आवाज़ में इतना ज़्यादा था कि हम डर के भाग जाते थे हमने कहा ये जरूर नेक्स्ट नबी होगा इतने में नबी शाम आए उसके बाद शेष आए उसके बाद नूह आए आते आते तमाम अम्बिया है और ये नूर आ रहा है हम यही समझते रहे कि ये बाद वाला नबी है यहाँ तक कि अब आप आ गए आप खातमुल अम्बिया हैं जरा बता दे वो नूर कौन था जो हामी अम्बिया है तो मेरे नबी ने यूं फरमाया अली इरफा रक् मेरे मौला तशरीफ फरमाथे सर झुकाए हुए थे कहा अपना चेहरा बुलंद करो चेहरा बुलंद किया और हाम बिमुहिम ने जब उस नूर को देखा तो कहा हा वा हामिय الانبیاء यही वो नूर है जिसको मैं हमेशा देखा करता था या خاتم नबीन बताएं ये कौन है तो बताया क्या बताया हादा اخي وابن عمي واس منتها في ميا معيا في صدرة المنتهى وربير هذا أبو الحسنين قرة العينين قرة الغائر المحجلين مظهر العجائب أصد الله غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب حامي أنبياء جنكو یہ رتبہ یہ مقام ملا ان کی بیٹی हमें कर्बो बला में हमारी ईमान की हिफाजत के लिए जिस अंदाज से दस्तरखान करम बिछा रही हैं जिस पर हम नौ दिन मुसलसल आते रहे इन के हमने सिर्फ़ ज़बानी स्टेप्स ना उठाए हों और बीवी ने हमें हंट कर लिया हो ये जुमला हमेशा याद रखिएगा इस साल बीबी हमारा शिकार करेंगी बीबी हमारे दिल में मोहब्बत से इस तरह से मक़ाम बनाएंगी कि हम जनाब सैदा के खेमे में मकाम पाएंगे बेहफात मत ज़हरा सलाम आज हमने अपने आखिरी उस हसीन से कोशिश उस हैबिट को अपने अंदर एडॉप्ट करना है जिसके तरफ ये ख़ानदान हमें बार बार बुला रहा है ना जबान से किया जितना हो सके इसको बंद रखेंगे तो ये वाले दूसरे दरवाज़े खुलते चले जाएंगे। कहते एक बहुत ही ख़ूबसूरत गैलेक्सी है जन्नत में इतनी खूबसूरत लोला एक पर्ल की तरह है उसमें कोई जोड़ नहीं है बहुत प्यारी जैसे आजकल है ना मेटावर्स की दुनिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है जिसमें आपका एविटार होता है आप वहाँ की दुनिया में ये आखिर जमान की निशानी है और बहुत ज़बरदस्त है हम कोशिश करें वहाँ इमाम बारगा ख़रीदें इन हमारे बच्चे खूब जानते हैं ए क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट क्या है हम लोग ख़रीदना चाह रहे हैं इन शाला हुसैन अबू तालिब भी वहाँ ख़रीदेगा हमारे बहुत से एविटार्स अज़ादार वहाँ होंगे क्योंकि उस दुनिया में सब कुछ हो रहा है जो आप सोच रहे हैं जितने भी यहाँ पर ब्रांड्स हैं वो सब के सब वहां पर हैं। हम देर से नहीं जाएं, हम उनसे पहले वहां पहुंच जाएं, और इतने मशहूर बन जाएं कि हर कोई इन हमारे पास आए हमारा इमाम बारगाह वही वाला हो कहते हैं जब आश्र जहूर में मस्जिद कोफा के थाउजेंड थाउज़ेंड्स, यानी मिलियन बिलियन गेट्स होंगे दरवाज़े होंगे और हर तरफ से लोगों का हुजूम होगा हमारा ऐसा ही इन शार गाह है हुसैनी और ज़ैनबी हो, हो जिसमें हर तरफ़ से हमारी यूथ आए हमारी जवान आए इन श्ला तो ये दुनिया बहुत ही ख़ूबसूरत दुनिया है यहाँ बताया जाता है जो अपने जबान को मज़े से कंट्रोल में रखते हैं उनके लिए जन्नत में एक बहुत खूबसूरत गैलेक्सी है जहाँ अल्लाह उनके इतने प्यार से देखेगा दिन में मिसाल दिए सेवेंटी टाइम्स सबसे ज्यादा अल्लाह उनसे बात करेगा तो पूछा कि क्यों ये कौन लोग हैं इनकी अलामत क्या है कहा अलमसुन जिन्होंने अपने आप को जिंदा में रखा है सिजन में कहा किसको को में रखा है अपनी जबानों को पकड़ के यानी कंट्रोल में रखा है क्योंकि ये कलाम करते हुए सोच समझ के कलाम करते थे इसलिए अल्लाह उनसे जन्नत में सबसे ज्यादा बातें करेगा कहते मन अहज़ना ये हमारे हमारे रिलेशनशिप्स कहते एक एक अर्श अल्लाह का अर्श अज़ीम हम बार बार पढ़ते हैं, अजीम। या लेकिन एक अर्श आजम उससे भी ज्यादा अजीम वो कबीर है ये अकबर वो कौन सा है कौन सा अरश आजम है कहते हैं अरश आज़म ममिन का दिल है ये दिल बहुत कीमती है जिसने इसको नाराज़ किया और पूरी दुनिया अगर ला के उसके सामने रख दे तो उसका कफारा अदा नहीं होगा नहीं होगा कितना अहम है तो इन हमने इन कनीज़ों को खुश 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 रखना है और आखिरी जो आज स्टेप उठा रहे हैं उसका नाम है यही है अलजार सुम्मत पहले दूसरे फिर मैं ख़ुद लोगों की ख़िदमत करना लोगों के लिए अपने आप को सर्व करना मैं कहती हूँ और मेरे बाबा मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं राज़िया जान आपको पता है तमाम अम्बिया तमाम मासूमिन कुल्हुम अजमाइन सारे प्रोफेस सारे जो इंफेलबल पर्सनैलिटीज़ हैं उन सब के सब के सब ने जो एक काम बड़े शौक़ से बड़े ज़ोक़ से और बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी के साथ किया वो ये है कि वो हमेशा चाहते थे छुप कर गुमनाम होकर अननोन होकर हमेशा क्या करें लोगों के लिए कोई अच्छा काम करें खिदमत करें लोगों के काम आए दो ऐसी सिफात है उनसे बालातर कुछ भी नहीं है वो क्या है एक तो ईमान रा